हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास प्रेप टू, लास्ट क्लास में हमने जाना था कीबोर्ड के बारे में, कीज के बारे में, टाइपिंग के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 6 स्टार्ट किया गया है और पेज नंबर है पेज नंबर 20। इसको देखिए, ये आपका चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है चैप्टर 6 और पेज नंबर आप देख सकते हैं ये है 20। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है पेज नंबर 20 चैप्टर 6। तो बुक आप लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जाए उससे पहले जो प्रीवियस जो बताया गया था वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। चैप्टर 6 जो है उसमें आपको कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है। कीबोर्ड में, कीबोर्ड क्या होती है? कंप्यूटर में लगा हुआ एक डिवाइस है, कंप्यूटर का एक पार्ट है, ये मेन पार्ट में आता है। ठीक है, कंप्यूटर का ये मेन पार्ट है और इसके जरिए जो है इसका इस्तेमाल करके, इसका यूज करके जो है हम लोग कमांड देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है तब जाके कंप्यूटर जो है आपका वर्क करता है, काम करता है। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो मशीन जो वर्क करती है, कंप्यूटर जो वर्क करती है उसके लिए कमांड देना पड़ता है। वो ह्यूमन तो है नहीं, इंसान तो है नहीं कि आप उसको बोल के आपने बोला और वो समझ गया और आपके अकॉर्डिंग आपने जो काम करने को बोला था, जो वर्क बोला था उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। यहां पे क्या होगा, कंप्यूटर में आपको कमांड देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो डिवाइसेस से ही दिया जाएगा, उसी में से एक है आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पे जो आप टाइप करते हैं ना, उसे आप कमांड टाइप करके भी आप कंप्यूटर को दे सकते हैं। ये कमांड किसके पास जाता है? ये कमांड जाता है सीपीयू के पास। कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा होता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 5 में आपको बताया गया था सीपीयू क्या है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये सीपीयू बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, छोटी सी डिवाइस होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, छोटा सा पार्ट है ये और उसी का काम होता है कंप्यूटर में कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन वर्क जो होता है उसी का होता है। तो आप जो कमांड देते हैं ना उसको समझेगा कौन कि ये कमांड है क्या, किस कौन से काम के लिए कमांड दिया गया है, उसको समझने का जो वर्क है वो यही सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू के द्वारा होता है और फिर सीपीयू जो है कंप्यूटर में जितने भी बाकी डिवाइसेस लगे हुए हैं जिनको हार्डवेयर बोला जाता है, जैसे कि आपका मॉनिटर है, क्या हार्ड डिस्क है, रैम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर ये सीपीयू उनको आगे जाके इंस्ट्रक्शन देना है कि इस तरीके का हमारे पास कमांड आया है, इंस्ट्रक्शन आया है ये काम करने के लिए। ठीक है, तो फिर उन सारे हार्डवेयर से जो है जितने भी डिवाइसेस बाकी लगे हुए हैं उन सब से, उन सब का यूज करके ये आपको रिजल्ट देता है, यही है। ठीक है, जैसे मॉनिटर पे आप जो कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना, यहाँ पे कीबोर्ड से आपने टाइप किया तो आपको मॉनिटर पे कैसे दिख जाता है? वो इसलिए दिखता है क्योंकि जो भी आप टाइप करते हैं वो पहले सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू उसको समझता है कि अच्छा ये बटन प्रेस किया गया है, मतलब इसका मतलब है ए। ठीक है, अगर ए बटन आप प्रेस करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाती है। सीपीयू उसको समझता है कि अच्छा ए वाला बटन जो है प्रेस किया गया है और उसके बाद उस चीज को, उस ए लेटर को वो स्क्रीन पे राइट करवा देता है, आपको शो करा देता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपने यहां पे कीबोर्ड प्रेस किया और आपको स्क्रीन पे वो दिख गया, यही होता है ना। जैसे आप अपना नाम भी यहां पे टाइप कर सकते हैं, आप अपना नाम यहां पे प्रेस कर सकते हैं अपने बटन्स, उसके करस्पॉन्डिंग बटन्स को, और वो आपको स्क्रीन पे दिखती भी है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कीबोर्ड की कीज को आपने प्रेस किया, बटन को आपने प्रेस किया, अपना नाम आपने प्रेस किया, वो स्क्रीन पे आपको दिख गई, मतलब कि मॉनिटर ने आपके इस नाम को डिस्प्ले करा दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है ना वो सीपीयू के पास ही जाती और फिर सीपीयू ही आगे जाके उसको कैलकुलेट करता है, उसको समझता है और फिर
जो बाकी कंप्यूटर में जो पार्ट्स वगैरह अदर पार्ट्स लगे हुए हैं उसका इस्तेमाल करके यूजर को जो चाहिए, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया तो आपको अपना नाम डिस्प्ले होता हुआ दिखना चाहिए ना, यही आप चाह रहे थे तभी आपने टाइप किया है। तो सीपीयू क्या करता है कि मॉनिटर का इस्तेमाल करता है वहां पे, ठीक है, और जो आपने टाइप किया हुआ है उसको मॉनिटर के पास भेज देता है उसके स्क्रीन पे, तो वो चीज़ आपको दिख जाती है। सारे वर्क में ऐसे ही होता है, जितने भी पार्ट आप यूज करते हैं सब में ऐसे ही वर्क होता है। इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास और सीपीयू उसको समझ के उसका रिजल्ट बना के और फिर उसको जो उस समय जो डिवाइस की जरूरत होती है उसके पास वो भेज देता है रिजल्ट को, और वहां से आपको फिर वो रिजल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको पेज पे चाहिए होता, आप कुछ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं स्क्रीन पे आपको नहीं चाहिए, ठीक है, या स्क्रीन पे भी आपको चाहिए और साथ में आप पेपर पे भी वही चीज आप लिखा हुआ चाहते हैं तो प्रिंटर लगाना पड़ेगा। तो आपकी बार सीपीयू क्या करेगा, आप प्रिंट कमांड जैसे आप देंगे, ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा, आपका लिखा हुआ जो है ना, जो टाइप किया हुआ है उसको एक पेपर पे प्रिंट कर देता है, छाप देता है और फिर वो आपको मिल जाता है। तो इसी तरीके से कंप्लीटली वर्क होता है कीबोर्ड या अदर पार्ट जो है कंप्यूटर में इस तरह से वर्क करते हैं। अब आते हैं हम कीबोर्ड पे। कीबोर्ड भी सीपीयू को क्या करता है, कमांड देता है, ठीक है, और उस कमांड को फिर सीपीयू फॉलो करता है और रिजल्ट देता है फिर। अब ये जो बटन्स हैं जिनके थ्रू जो है कमांड को दिया जाता है, इन बटन्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कीज। ये देखिए बटन्स ऑन कीबोर्ड इज कॉल्ड कीज। और जो आप टाइप कर रहे होते हैं, जो आप सॉरी राइट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मॉनिटर पे स्क्रीन पे जो आप कीबोर्ड के थ्रू आप जो राइट करते हैं वही क्या कहलाता है, वही टाइपिंग कहलाता है। तो ये दो टर्म थे जो हमने समझा भी था, ठीक है, राइटिंग करना ही क्या कहलाता है कंप्यूटर में, टाइपिंग करना, ठीक है। अब इसके आगे कीबोर्ड तो बहुत सारे हैं मार्केट में, आपको कई लुक वाले अलग मॉडल के आपको कीबोर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें कॉमन क्या चीज रहती है, उसमें कॉमन आपको यही रहेगा जो उस पर कीज हैं, जो बटन्स हैं वो आपको सेम रहेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिए जाते हैं, कुछ एडवांस लेवल का जो कीबोर्ड है उसमें दो चार बटन आपको एक्स्ट्रा रहते हैं, ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे बटन जो हैं आपके सेम ही मिलेंगे, राइट। तो चलिए ये कीबोर्ड है आपके सामने, ठीक है, इस कीबोर्ड को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लेटर लिखा गया है ना, ये देखिए ए एस डी ई इस तरह से लिखा गया है, ए से जेड तक लेटर आपको इसमें मिल जाएगा, ए से जेड तक, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, वो एक साथ नहीं लिखा हुआ है कि ए फिर उसके बाद बी फिर सी, इस तरह से आपको नहीं मिलता है, ठीक है। कीबोर्ड को जब आप देखेंगे ध्यान से, आप देखना सब लोग कि यहाँ पे जो कीज हैं, जो बटन हैं, वो सीक्वेंस में आपको नहीं लगेंगे, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर डी, इस तरह से हम लोग तो अल्फाबेट ऐसे ही पढ़ते आए ना, ए से जेड तक, लेकिन कीबोर्ड में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कीबोर्ड में आपको लेटर अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, वो जो लेटर्स है अलग है जिसको आपको ढूंढने में परेशानी भी होती है, तो ऐसा क्यों दिया गया है इसको भी हम जानते हैं। देखिए ये जो कीज दिया गया है ना, ये जो कीज है उसमें लेटर अलग अलग हैं, ए के बाद एस, फिर डी, इस तरह से करके है, जेड कहीं है, सी कहीं है, इस तरह से जो ये बनाया गया है, ये जो कीबोर्ड बनाया गया है, इस कीबोर्ड को बोला जाता है, सबसे पहले इसका नाम जानिए, ये कीबोर्ड है क्वेट्री कीबोर्ड। अब इसको याद कैसे करें, यहाँ पे देखिए ये जो बटन देख रहे हो ना, फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है इसी में लिखा हुआ है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, ये जो बटन्स हैं क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई वाले जो बटन है ना वो एक लाइन में है, और यहीं से इस कीबोर्ड का नाम रखा गया है। इस कीबोर्ड का क्या नाम है, इस कीबोर्ड का नाम है क्वेट्री कीबोर्ड, ठीक है।
चलिए तो ये तो हो गया कीबोर्ड का नाम की क्वेट्रिक कीबोर्ड है, लेकिन आखिर ये कीबोर्ड में ऐसा क्यों दिया गया है, ये सारे लेटर इधर उधर करके क्यों दिए गए हैं, सीक्वेंस में क्यों नहीं दिया गया, ए से जेड तक क्यों नहीं बिल्कुल सीधा लिखा गया है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह साफ है, बहुत एकदम क्लियर है। आपने देखा होगा जो बड़े लोग जो टाइप कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं, तो वो सामने देखते हैं स्क्रीन पे, कीबोर्ड पे वो नहीं देखते, उनका ध्यान किधर रहता है, इस तरह से फिंगर जो है वो कीबोर्ड पे रखते हैं और स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, पेपर पे, पेपर जो कुछ भी लिखा होता है उसी को कंप्यूटर में लिखना होता है, तो पेपर पे वो देख रहे होते हैं और अपने फिंगर्स को वो प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। वो वर्ड कहाँ से देखते हैं, जो पेपर है सामने उस पर कुछ लिखा हुआ है उसको वो देखते हैं, कीबोर्ड को वो नहीं देख रहे हैं, और बिना देखे अपने फिंगर का इस्तेमाल करके वो प्रेस कर रहे होते हैं। उनको इतना आइडिया होता है कि कौन से फिंगर को हम प्रेस करेंगे तो कौन सा लेटर कीबोर्ड कंप्यूटर पे वो टाइप होगा, राइट होगा, ठीक है। और यही रीजन है कीबोर्ड को क्वेट्रिक कीबोर्ड बनाने का जो रीजन है, सो ये जो सीक्वेंस में नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, इसके पीछे रीजन यही है, ताकि आपकी टाइपिंग फास्ट हो सके। आपके ये जो फिंगर है ना, ये हर एक फिंगर पे अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स हैं और साथ में नंबर्स को भी वो बांटा गया है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसको इंडेक्स फिंगर पे डाला गया है, ठीक है, जो कम यूज होता है उसको फिर बाकी फिंगर्स पे डाला गया है। तो उस कीज का, उस पर्टिकुलर लेटर का यूज के अकॉर्डिंग जो है उसको फिंगर पे आपको डिवाइड किया गया है, तो जिसका सबसे ज्यादा यूज होगा उसको इस इंडेक्स फिंगर पे रखा गया, उसी तरह बाकी फिंगर पे भी इसी तरीके से, ठीक है। और इस तरह से जो कीबोर्ड है उसके लेटर जो है आपको सीक्वेंस में नहीं मिलते, ठीक है, ताकि आपकी जब आप टाइप करें तो आपकी टाइपिंग फास्ट हो पाए, ठीक है। ए से जेड तक लेटर जैसे आपने बड़ी आसानी से सीख लिया था, आसानी तो नहीं थी लेकिन सीख लिया आपने, उसी तरह इस चीज़ को भी जब आप करेंगे ना तो बहुत इजीली आप सीख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं, आपको एकदम याद हो जाएगा कि ए के बाद एस है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर राइट साइड से आएंगे तो सेमी कॉलन है, एल है, के है, जी है, इस तरह तरीके से आपको याद होता रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जब याद हो गया उसके बाद आपको टाइपिंग में काफ़ी इजी होगी, टाइपिंग आपकी फास्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से इस तरीके से कीबोर्ड को बनाया गया है और इसका नाम दिया गया है क्वेट्री कीबोर्ड। ओके, चलिए तो आज की क्लास में ही पेंट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कीबोर्ड के टाइप के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर।